दोस्तों एनटीवी के पसंदीदा शो भाभी जी घर पर हैं कि नई अपडेट के साथ हम हाजिर हैं, जहां आज विभूति जी मंदिर में जाके माथा टेक रहे हैं और भगवान को अपने निकम्मे होने के लिए कोस रहे हैं। चाहते हो कि एक होनहार नौजवान अपने हुनर का गला घोटकर गुमनामियों के अंधेरे में खो जाए। इतने में वहां महाराज ऑफ झिंगापुर के मुनीम आ जाते हैं और विभूति जी की पीठ पर तलवार का निशान देख कर बताते हैं कि वो प्रिंस ऑफ झिंगापुर है। इसका मतलब आप झिंगापुर रियासत के राजकुमार यानी कि प्रिंस हैं। जिसे सुनकर विभूति जी उन्हें बोलते हैं कि वो मजाक ना करे। आपका मजाक करके मुझे कोई खजाना नहीं मिलने वाला है, पर ये सत्य है कि आपके रगों में रॉयल ब्लू ब्लड दौड़ रहा है। और फिर मुनीम उन्हें बताते हैं कि वो कैसे अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। सारे रियासतों ने मिलकर झिंगापुर रियासत पर अटैक कर दिया। महारानी रानी बबीता अपने 10 दिवसीय पुत्र महाराजा नलेंद्र सिंह यानी आपके साथ वहां पर फंसी हुई थी। वो बताते हैं कि एक बार उनकी रियासत पर बहुत सी रियासतों ने हमला कर दिया था, जिसे बचने के लिए महारानी ने अपना पुत्र बदल लिया था और वो सब लोग भाग गए थे। उन्होंने कामवाली का पुत्र अपने गोद में ले लिया और अपना पुत्र कामवाली के गोद में दे दिया और कामवाली के पुत्र के पीठ पर अपने कुल का निशान लगा दिया। और वो कहते हैं कि वो जल्दी ही महारानी को उनके मिलने की खबर देंगे। अब आप अपने राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। मैं ये खुशखबरी महारानी रानी बबीता देवी को फोन के जरिए सुनाने जा रहा हूँ। अब देखना ये होगा कि अब कहानी में आगे क्या मजेदार होने वाला है। जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्टूडियो शो बॉक्स।